नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। ये देखिए कितनी अच्छी है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। ये ढाबे से ज़्यादा अच्छी बनी है। जब एक बार आप इस तरह से बना लोगे तो दोबारा कभी आप ढाबे या रेस्टोरेंट से नहीं मंगाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए यहाँ हमने कढ़ाई ली। कढ़ाई में डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गरम हो गया तो हम डाल देंगे प्याज। यहाँ मैंने बड़े साइज की प्याज को इस तरह से स्लाइसों में काटा है। मार्केट में इसी तरह से प्याज कटती है जब पनीर की भुर्जी बनती है, तो सारी प्याज को डाल देंगे। अब हम इसको भून लेंगे। ये देखिए हमारी ये प्याज भुन गई है। हमें इसे ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, तो इसी समय डाल देंगे हम यहाँ 5 अच्छी हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक बारीक काटा है, उसको भी हम मिला देते हैं। और इसी समय डाल देंगे हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है, तो अब हम डाल देंगे। यहाँ मैंने ये छोटे साइज के टमाटर थे, तो यहाँ मैंने 7 टमाटर लिए हैं, उनको डाल देते हैं। मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा इनको, इसको भी मिक्स कर देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हम डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच नमक। इसको मिक्स कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। यहाँ हमारे टमाटर भी देखिए सॉफ्ट हो गए, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सब्जी मसाला। अब इनको भी मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे हम। यहाँ हमारे थोड़े से मसाले भून गए हैं, तो अब हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। ये मेरा भुना हुआ बेसन है, अगर आपके पास कच्चा हो तो आप प्याज जब थोड़ी भुन जाए उसके बाद डाल सकते हैं। तो अब बेसन को भी हम मिक्स कर देते हैं और मसालों के साथ अच्छे से और भून लेते हैं। यहाँ हमारे मसाले थोड़े से भुन गए हैं, तो हम इसमें डाल देंगे अपना पानी जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और मसाले को भुनने देते हैं। यहाँ हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, तेल इसने अलग कर दिया है। ये देखिए अब इस समय डाल देंगे हम 2 शिमला मिर्च जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला है। अब इसको भी मिक्स कर देंगे मसाले में और 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे हम। इसे ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जब हम खाएंगे तो ये मुँह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो बस इसको ढक देते 2 मिनट के लिए। और यहाँ हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी सी, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है हमें, थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। ये हमारा थोड़ा मसाला सूखा सूखा लग रहा है, यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ जिससे कि हमारी जो भुर्जी है वो ज़्यादा सूखी सूखी ना बने। अब 2 मिनट के लिए अपने पानी को पका लेंगे। यहाँ 2 मिनट के बाद जब हमारा पानी पक जाएगा तो अब डाल देंगे अपने पनीर को। यहाँ मैंने 1/2 किलो पनीर लिया था जिसको कद्दूकस कर लिया है। अब सारे पनीर को अपने कढ़ाई में डाल देंगे। अब पनीर को मिक्स कर देंगे।
यहाँ मैंने सारे पनीर को मिक्स कर दिया है। हमें पनीर को ना ज़्यादा पकाना नहीं है, 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी घेर सकते हैं, या मेरी तरह यहाँ पे आधा कप दूध डाल दें, जिससे कि ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ मैंने दूध डाला है, आप चाहे तो इसमें क्रीम भी घेर सकते हैं। तो जब घर में क्रीम ना हो तो इस तरह से दूध का यूज़ करके भी आप अपनी पनीर की भुर्जी को ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। हम इसे ढक देते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। यहाँ 2 मिनट हो गए, हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी पनीर की भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, नहीं तो ये और भी ज़्यादा सूखा सूखा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया और हरे धनिए को भी मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं हमारी पनीर की भुर्जी कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल ढाबे जैसी। ये हमारी स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है।